हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रसाद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीपीएससी कोर्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम हमें प्लीज डीपीएससी या फिर एनटीटी 2 ईयर कोर्स के बारे में बताइए, जो कि गवर्नमेंट के अंडर हम कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, वहां पे मान के चलो एनसीटी वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, बट हमें श्योरिटी चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि हम जहां से भी ये एनटीटी कोर्स करें वो हमारा गवर्नमेंट के अंडर या फिर एनसीटीई के अंडर होना चाहिए। तो प्लीज इसके बारे में बताइए। बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने सभी कमेंट्स रीड आउट किए हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा फाइंड किया है और मुझे ये चीज मिली है। तो इस लाइक प्रोस्पेक्ट पे, लाइक इस पीडीएफ में मैं आपको अभी वीडियो के अकॉर्डिंग शो कर दूंगी कि जो हमारा ये एनटीटी कोर्स है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि एनसीटीई ने 13 के बाद इस कोर्स को अप्रूवल देना बंद कर दिया था, उनकी साइट पे भी लिखा हुआ था। बट नाउ भी जो मीनिंग ये कोर्स चल रहा है, किस नेम से चल रहा है और किसके अंडर ये कोर्स हो रहा है, तो उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, कोई डाउट हो रहा तो कमेंट करके बता सकते हो। देखिए, इसमें ये है जो हमारा फुल फॉर्म है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीपीएससी लाइक कोर्स का नेम है, ठीक है। और इसको जैसे हम इक्वल टू पहले बोलते थे ना एंटिटी, तो उसका ही सेम ये मीनिंग लाइक एंटिटी को डीपीएससी कोर्स मीनिंग इन्होंने दिया है और ये कोर्स अभी हो रहा है। इसके बाद देखते हैं, इन्होंने प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है कि चैप्टर 1 में अबाउट ऑफ जिसके अंडर ये हो रहा है, SCERT दिल्ली के अंडर हो रहा है, उसकी इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। और उसके बाद कौन कौन सी इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं, एफिलेटेड है एंड दिल्ली के अंदर, वो भी सभी रिकॉर्ड रहेगा। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब डिटेल्स इन्होंने लाइन वाइज मीनिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको इस पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं अबाउट SCERT दिल्ली, इसका इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दिल्ली इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इट इज अ नोबल एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा सर्टिफिकेट जब लाइक हम जहां से भी करें वो एनसीटीई के अंडर होना चाहिए, तो ये उसका ही एक पार्ट है जिसके अंदर ये कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, कोर्स कंडक्ट, गाइडेंस, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द एरिया प्री प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन वाज 2 ईयर्स डिप्लोमा फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम DELED कोर्स बोलते हैं, एंड डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSC कोर्स। द करिकुलम इज द रेनिवर्ड प्रोडक्टली वाज द करिकुलम कमेटी कंपेयरिंग एक्सपेक्ट विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। लाइक पहले जो होता था वो एनटीटी कोर्स होता था और अभी इसको थोड़ा सा चेंज करके ये डीपीएससी फॉर्म में लेके आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप ऑफ मीनिंग सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि इस कोर्स में क्या रहने वाला है, क्या ये कोर्स आपको बेनिफिट देगा, तो ये चीज आप रीड कर सकते हो। तो मेन जैसे है, इन्होंने देखिए यहाँ पे एक लाइन मेंशन की हुई है, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट DELED या फिर DPSC आर द प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होगा 2 ईयर्स का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED एंड डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSC, एंड दिल्ली इज एन एरिया फुल ऑफ एक्सेप्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इस कोर्स को करने के बाद। दोज हु आर ऑफर्ड फॉर एडमिशन मस्ट अप्रिशिएट द यूनिक अपॉर्चुनिटी बींग ऑफर्ड टू देम अवर थाउजेंड्स ऑफ द अदर aspirants of the hints live up to expectations to become some of the finest teachers in the Delhi. We are committed to the impart highly qualified education to the contributors of the process and the national building. उसके बाद देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास सीट्स अवेलेबल है, लाइक जिनको सीट मिली है। लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंस PBT recognized institute affiliated to SCERT for DPSC course. SCERT के अंदर ये कोर्स हो रहा है, जो कि लाइक किसका पार्ट है, NCTE का। NCTE ने 13 के बाद अप्रूवल देना बंद कर दिया था, बट उसके बाद अप्रूवल किसको मिला है, SCERT को, और इसके रिगार्डिंग ये DPSC कोर्स हो रहा है। इसमें देखिए इन्होंने इंस्टीट्यूट की लिस्ट प्रोवाइड की है, जैसे आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इनका एड्रेस प्रोवाइड किया है। इनके पास टोटल 50 सीट है, ये इनकी ईमेल है, ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये आप लगा के देख सकते हो, अगर पिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद बाकी के सभी की लिस्ट इन्होंने दिल्ली की है, ये सभी लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, इनका ईमेल और कितनी कितनी सीट्स है टोटल इनके कॉलेजेस के पास। और यहाँ भी एक लाइन इन्होंने मेंशन कर रखी है, देखिए, SCERT में एड और डिलीट एनी ऑफ इंस्टीट्यूट रेकॉग्नाइज्ड बाय NCTE।
तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है SCERT में ऐड, जो ये मीनिंग जो सेंटर है इनमें से इसकी साइट पे ऐड किए गए हैं, और डिलीट एनी ऑफ इंस्टीट्यूट्स रेकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज, जैसे जो मीनिंग ये कोर्स करवाते थे, एंटिटी कोर्स करवाते थे और जिनके पास NCTE की एफिलिएशन पहले थी, उनको डिलीट करके इसके अंडर कर दिया है, सब्जेक्ट टू दियर न्यू एफिलिएशंस डी एफिलिएशन विद SCERT। जैसे कि न्यू जो एफिलिएशन मिली है, न्यू जो एक्ट पास हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसके अंडर ये कोर्स क्या होता है, DPSC कोर्स करवाया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया है शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन DLED या फिर DPSC सेशन 23 और 25 का सेशन के अकॉर्डिंग। बाकी इनकी ऑफिशियली मेल ये है, सॉरी वेबसाइट ये है, वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो बाकी के डिटेल्स। और उसके बाद देखते हैं चैप्टर 3 डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DPSC कोर्स के बारे में भी क्या है। DPSC कोर्स इज अ फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन। जैसे कि बच्चे मेरे से पूछते थे कि मैम मुझे रेगुलर कोर्स करना है, एनटीटी रेगुलर कोर्स करना है, किस इंस्टीट्यूट से मैं करूं, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जो कि लाइक नॉर्मल जो कि अभी रेगुलर कोर्सेज है जिसके अंडर मान के चल रहा है, सीट है जिन कॉलेज के पास, और ये 2 इयर्स रेगुलर कोर्स है। देयर आर टोटल इनटेक ऑफ लाइक 1450 1450 कैंडिडेट्स इन 24 प्राइवेट रेकग्नाइज इंस्टीट्यूट शैल बी एडमिटेड। लाइक इनको इतनी सीट्स मिली है सभी इंस्टीट्यूट वालों के, 1450 जो सीट मिली है 24 प्राइवेट रेकग्नाइज इंस्टीट्यूट को मिली है। द मीडियम फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश और हिंदी। टू मीडियम्स है, हिंदी और इंग्लिश, एज अ दिल्ली के लिए आप कर सकते हो। द सिलेबस ऑफ द कोर्स कंसिस्ट्स ऑफ द थ्योरी पेपर्स, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, थ्योरी पेपर भी होगा, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होगी, सेमिनार्स भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे, प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स आउटलाइन इज द फॉलोइंग। बाकी इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया है इसमें लाइक फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में क्या है। फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे ये प्रॉपर ये रहने वाली है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको ECE इन इंडिया, इसका टोटल क्रेडिट 4 का रहेगा, थ्योरी 4 है, प्रैक्टिकल 0 है, टोटल मार्क्स जो है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड एंड केयर, चाइल्डहुड प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम, डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिक हो गया, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज हो गया आपका, हेल्थ केयर न्यूट्रिशन हो गया, मेथड्स ऑफ मटेरियल्स हो गया, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स हो गया, ये सभी डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। सेकेंड ईयर का सिलेबस भी इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, टोटल कितना रहने वाला है, सब डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड की है। द डिटेल करिकुलम मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कंसीडर्ड बाय द मे बी डाउनलोड फ्रॉम SCERT, के फुल जो डिटेल्स है आप यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम क्या रहने वाला है उसकी फुल प्रॉपर इन्होंने डिटेल बताई है। जैसे कि इग्नो के अंडर जो DEC कोर्स होता है 1 ईयर का होता है, उस पे प्रोजेक्ट वर्क की ट्रेनिंग लगती है 30 डेज की, तो यहाँ पे स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो रहेंगे आपका मिनिमम 40 वर्किंग डे रहेंगे, 40 वर्किंग डे रहेंगे। दिस इज कंपल्सरी एवरी ईयर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एज पर NCTE नॉमिनल्स। वहां से नोटिफिकेशन लॉन्च होगा किस किस स्कूल में ट्रेनिंग लगेगी, 40 वर्किंग डेज में आपका ये लगेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टीच ऑल द 4 टीचिंग सब्जेक्ट लाइक 1 लैंग्वेज मैथ्स EVS एंड EVS सोशल साइंस, जैसे साइंस हो गया सोशल साइंस, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट्स मेंशन इन द DPSC करिकुलम ड्यूरिंग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो ये चीज आई थिंक आप समझ चुके होंगे, जैसे BEd वालों की ट्रेनिंग लगती है सेम ही अगर कोई DPSC कोर्स रेगुलर मोड में ज्वाइन करता है तो आपकी ट्रेनिंग लगेगी। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम फॉर DPSC टीचर्स ट्रेन विल बी कंडक्ट इन MCD स्कूल्स, लाइक कहाँ होगी, MCD स्कूल्स या फिर NDMC स्कूल्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रेकॉग्नाइज स्कूल्स एंड डायरेक्टोरेट ऑफ द एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। तो इनका मीनिंग शेड्यूल होगा, लिस्ट होगी, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग लगने वाली है, ठीक है। तो वो बाकी के डिटेल इन्होंने प्रॉपर डीपली बता रखी है, जितने भी आपके कंफ्यूजिंग थे ना कि हाँ मैम एंटिटी रेगुलर, लाइक मुझे रेगुलर करना है, दिल्ली में करना है, प्लीज गाइड कीजिए, इंस्टीट्यूट जो NCTE के अंडर है वो तो हमें पता है बट रेगुलर कहाँ से करें, KBS के लिए कहाँ से करें, यहाँ पे मान के चलो अगर करें तो कोई दिक्कत ना आए तो हम पोस्ट भी फिल कर पाए। तो ये प्रॉपर उन्होंने बता रखा है सभी डिटेल्स DPSC कोर्स के बारे में। उसके बाद रूल और एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने सब डिटेल्स बता रखी है, ठीक है, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। लास्ट में मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, बता दूंगी वीडियो के लास्ट पे भी कहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और
अच्छे से बैठ के इसको रीड कर सकते हो। तो बाद में इन्होंने लाइक अभी नेक्स्ट वाला चैप्टर देख लेते हैं, उसमें क्या बताया है। एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एडमिशन के बारे में देखिए, डीपीएससी कोर्स इज ओनली फॉर गर्ल्स। इन्होंने देखो यहाँ पे ये कंडीशन प्रोवाइड की हुई है कि जो डीपीएससी कोर्स है ये जस्ट गर्ल्स के लिए है। ये बात मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने रीड किया तो मुझे पता चला, नहीं तो स्टार्टिंग में बता देती कि गर्ल्स कर जस्ट गर्ल्स करेंगी ये एडमिशन। अभी देख लेते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द एडमिशन टू द डीपीएससी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रैंक इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। ऑनलाइन ओकेशन ऑफ द सीट्स विल बी द डन बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट चॉइस एंड सबमिटेड बाय द एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन देयर रैंक इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब कैटेगरीज। कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट्स प्रोविजनली बेस्ड ऑफ द फॉर्म्स सबमिटेड। लाइक एप्लीकेशन के बेस पे, लाइक इसका जो टेस्ट वगैरह होगा उसके बेस पे होगा, बाकी जो इसकी एलिजिबिलिटी रहती है। कैंडिडेट्स सीकिंग द एडमिशन इन डीपीएससी कोर्स मस्ट हैव द पास सीनियर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन प्लस टू, आप पास होने चाहिए 50% के साथ आपका पास आउट होना चाहिए। और उसके बाद जो भी इसका मीनिंग आपका जो इंस्टीट्यूट मैंने लिस्ट प्रोवाइड की थी वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा और आप कैसे इसके एडमिशन ले सकते हैं। जो डीपीएससी कोर्स है जस्ट फॉर गर्ल्स है, ये मुझे भी अभी पता चला है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बॉयज के लिए ये नहीं है, जस्ट गर्ल्स ये कर सकती हैं। बाकी एक्स्ट्रा जिनको रिलेक्शन मिलते हैं वो 45% के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी जो गर्ल्स है वो चेक कर सकती हैं। उसके बाद देखिए फिजिकली फिटनेस के बारे में इन्होंने बता रखा है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, 24 years to 30 September। द मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 24 years एज ऑन 30 September 2023। और 5 year का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इफ अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बाकी सभी डिटेल्स आप रीड आउट कर सकते हो। और मेन कोई बात है तो वो है, मैं कब चेक करवा देती हूँ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, फुल डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है प्रॉपर कोर्स की, कैसे सिलेक्शन होगा, आप कैसे इस कोर्स में ज्वाइनिंग कर सकते हो, सब डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। अभी 47 पेजेस की ये पीडीएफ है और हम 21 पेज पे आ चुके हैं। एडमिशन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, जैसे जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो रैंक लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका लाइक एडमिशन होगा। इन्होंने देखो बता रखा है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी द एडमिशन In designing test centers and the no request for the center change will be the considered for any category of candidate. The computer based test CBT will include 150 questions. आपके टोटल 150 questions रहेंगे and will be to 150 marks के रहेंगे. The medium of test will be Hindi or English and will be the 2 hours duration. दो meaning घंटे का आपका ये exam रहने वाला है. No negative marks will be the deduct from wrong question. कोई negative marks नहीं होगी. All candidates are required to appear the test of take admissions. Like all candidates जो eligibility complete करते हैं वो test के लिए बैठ सकते हैं, rank पे ही आपका जो admission होगा, जैसे merit बनती है, merit के बाद फिर आपका admission होना start हो जाता है। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, कौन से college मिलेंगे, कौन सा institute मिलेगा, सब इन्होंने information क्या है provide कर रखी है इसमें। उसके बाद syllabus के बारे में भी इन्होंने बता रखा है जो आपको test में पूछा जाता है, जैसे जर्नल अवेयरनेस आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, हिस्ट्री, पोलिटिकल लाइक इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, उसके बाद जनरल साइंस आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, इंग्लिश और हिंदी आ जाता है। प्रॉपर इन्होंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद देख लेते हैं लेवल ऑफ टेस्ट आपका 10th क्लास का रहने वाला है, बाकी की डिटेल्स उनके वेबसाइट पे हैं। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, सभी डिटेल्स आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो इनकी। तो ये इनकी डीपीएससी की कोर्स की फुल डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है 2 years रेगुलर डिप्लोमा फॉर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन डीपीएससी अप्लाई फॉर बोथ। आप बोथ के लिए अप्लाई कर सकती हो, डीएलएड कर सकती हो या फिर डीपीएससी कर सकती हो। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको ये चाहिए लाइक मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी नॉर्मली डिटेल्स होती है। एप्लीकेशन फॉर सबमिशन का इन्होंने फुल डिटेल्स बता रखी है। तो आप मीनिंग इस वीडियो के अकॉर्डिंग भी इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, फुल पीडीएफ चाहिए आपको ये पढ़ने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी जो पीडीएफ है आपको शेयर कर दूंगी। ये गुरसहज कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, आप फाइल्स में जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से जाकर आप अच्छे से मान के चलो रीड आउट करने के बाद अपना कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेज
बाकी की जितनी भी डिटेल्स है आप रीड कर सकती हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। बहुत सर्च करने के बाद ये वीडियो बना है। एक्चुअली आज मेरी वॉयस भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ा सा फीवर हो रखा है, बट फिर भी बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी तो मुझे ये मीनिंग सर्च करके इसका वीडियो बनाना पड़ा। तो वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।